एबीपीएस न्यूज़। संभल जिले में आए दिनों हो रही छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाओं के मामले सामने आते रहे हैं और पुलिस को ऐसी घटनाओं से चुनौती मिलती रहती है। मनचले शौहदे लड़कियों से छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी शिकायत चंदौसी की छात्राओं ने आईजी विनोद कुमार सिंह आईपीएस से उस समय की जब विनोद कुमार सिंह चंदौसी के नागरिकों के साथ बैठक करने आए। छात्राओं ने आईजी विनोद कुमार से कहा कि सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड महिला सुरक्षा के लिए बनाया था जो आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। हम लोगों को सड़क किनारे खड़े लड़के बदतमीजी करके छेड़ने के बाद बाइकों से भाग जाते हैं। हम लोगों का पढ़ाई करना और घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। इस समस्या के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने चाहिए। तभी आईजी ने तत्काल सीओ चंदौसी ओमकार यादव को एंटी रोमियो स्क्वाड पुनर्गठन करने के आदेश दिए और अंजू भदौरिया को एंटी स्क्वाड का टीम प्रभारी बनाया गया। आईजी विनोद कुमार सिंह के आदेश का पालन करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम सिविल कपड़ों में महिला कांस्टेबल और ओमकार यादव अंजू भदौरिया सहित सड़कों पर उतर आई और स्कूलों के साथ साथ कोचिंग के रास्तों पर भी रोमियो की तलाश शुरू कर दी। स्कूलों और कोचिंग के रास्तों पर 9 रोमियो को पकड़कर अंजू भदौरिया ने मनचलों की पिटाई कर हवालात की हवा खिलाई। साथ ही सवाल का जवाब न देने पर महिला पुलिसकर्मी ने मनचले को थप्पड़ भी जड़ दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होने से स्कूली छात्र छात्राओं में खुशी की लहर फिर से दौड़ गई है और छात्राओं ने विनोद कुमार सिंह आईपीएस का टीम गठित करने पर आभार प्रकट किया।